जानेंगे, थोड़ा संक्षिप्त परिचय देखिए उनका, महादेव वर्मा के जीवन का। देखिए महादेव वर्मा, इनका देखिए जन्म कहाँ पर हुआ, जन्म सन 1907 ईस्वी में, महादेव वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान है फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिता इनके हैं श्री गोविंद सहाय, माता का नाम है श्रीमती हेमरानी। इनका शिक्षा है यम ए संस्कृत से, संपादन इनका है चाग जो पत्रिका है महादेवी वर्मा का ही है, और इनका मृत्यु हुआ था 1987 ईस्वी में। आज इनका हम सब पाठ करेंगे गीत, महादेव वर्मा का जो गीत है उसको आज हम सब पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए देखते देखें महादेव वर्मा का गीत है। देखिए, चीर सजग आंखें उम्मीदी, आज कैसा व्यस्त बहना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप बोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज की आलोक को डोले तिमिर की खोर छाया, जा गया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने, छोड़ आना जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इसका देखिए हिंदी व्याख्या हम सब देखते हैं। महादेव वर्मा जी अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि चिर सजग आंखें उम्मीदी, जो सदा से हमेशा, जो आंखें हमेशा सजग रहती है, जो आंखें हमेशा सजग रहती है, आज कैसा व्यस्त बहना, उन्हीं आज यह कैसा अलसाया हुआ है, आज कैसा यह अलसाया हुआ है, व्यस्त बहना। और व्यस्त बहना माने वेशभूषा, इसका जो वेशभूषा है और कैसा यह अस्त व्यस्त है। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आगे कह रहे हैं, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप बोले। अचल हिमगिरी के हृदय में, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के अचल माने मजबूत, दृढ़, अचल माने मजबूत, हिमालय पर्वत के हृदय में आज चाहे कंप आ जाए, माने चाहे भूकंप आ जाए, और या प्रलय की आंसुओं में मौन अलसित व्योम रूले। या तो प्रलय आ जाए, कहने का मतलब है कि व्योम माने आकाश से लगातार बारिश होती रहे, और आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आगे कह रही है कि आज भी आलोक को डोले, आज तिमिर माने अंधकार होता है, आज अंधकार, घोर अंधकार, आज घोर अंधकार आलोक को, आलोक माने प्रकाश को निगल जाए, आज घोर छाया गहन, अरे घोर अंधकार प्रकाश को निगल ले। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, अब जाग जाओ। और आगे कह रहे हैं, विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, निठुर माने कठोर तूफान, बहुत भयंकर तूफान आ जाए, और उसमें विद्युत शिखाओं बिजलियां चमकने लगे। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने, छोड़ आना, और अपने इस नाश पथ पर, जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर चल रहे हो, यदि वह मार्ग नाश हो जाए फिर भी उस पर अपने चिन्ह को छोड़ करके आना है। और आगे करेंगे, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, हे प्राण अब जग जाओ और तुम्हें दूर तक जाना है। अगला पैराग्राफ अगले वीडियो में देखेंगे।